हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई टेक एक्सपेरिमेंट YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप किसी भी नॉर्मल सॉन्ग को आप डीजे सॉन्ग की तरह बजा सकते हैं। आप कहीं शादी या कहीं भी शादी पार्टी या किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप सॉन्ग बजाना चाहते हो तो किस तरीके से डीजे के जैसे जो डीजे पिकअप के अंदर जो सॉन्ग चलता है उसी तरीके का सॉन्ग अपने मोबाइल से किस तरीके से बजाते हैं। तो आज इस वीडियो में आप उसी तरीके के आपके लिए एप्लीकेशन लेके आए जो डीजे के अंदर सॉन्ग बजते हैं उसी तरीके के सॉन्ग को किस तरीके से एडिट करते हैं आज इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम आपको सॉन्ग को एडिट करके बताएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा प्ले स्टोर ओपन, तो हमने सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करने का, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद जाना है वहाँ पर, हमें सर्च करना है नंबर वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर वन डीजे मिक्सिंग आ रहा है, वहाँ पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो मिक्स फ्री म्यूजिक डीजे ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमें इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हमारे तो हमें यहाँ पे ओपन का सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे इस ओपन के आइकन पर क्लिक करना है। ओपन होने के बाद तो हमें यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। अलाउ का सिस्टम पे ओके करना है। अलाउ करने के बाद तो ये कुछ देर हमें यहाँ पर वेट करना है। वेट करने के बाद हमें यहाँ पर मिल रहा है देखने को स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें स्किप कर देना है। और स्किप करने के बाद में हमारे एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ देख सकते हो सॉन्ग सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे आइकन देखने को मिल रहे हैं प्लस के। तो हमें यहाँ पे दोनों पे क्लिक करना है। तो हम इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करके हम यहाँ पे सॉन्ग सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारा सॉन्ग सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉन्ग सेलेक्ट कर दिया हूँ। दूसरी तरफ भी मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे दूसरी तरफ भी मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ सॉन्ग को। दोनों तरफ मैंने सॉन्ग को सिलेक्ट कर दिया है। और अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे सॉन्ग को एडिट करना है। तो सॉन्ग एडिट करने के लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी दोनों सिस्टम को हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट सुनने को मिलते हैं, आप सुन सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारे डीजे सॉन्ग के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें। यहाँ पे आप सुन सकते हो। तो अब हम आपको यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करके बताता हूँ। एप्लीकेशन के होम पेज पे आ चुके हैं हम। और फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे EQ पे क्लिक करना है। EQ पे क्लिक करने के बाद में हमें हमारा सॉन्ग को प्ले कर देना है। सॉन्ग प्ले करने के बाद में आप सुन सकते हो यहाँ पे इसकी नॉर्मल वॉइस है। और हम यहाँ पे इसको बेस बढ़ा के देखते हैं, इसके लो MID और ही दोनों को हमें तीनों को यहाँ पे बढ़ा के देख रहे हैं। तो हमें आप अपनी तरह से आप इसको सॉन्ग को अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हो। तो आप अच्छे अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें। तो हमें दोनों तरफ से सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। तो मैं वापस उसके होम पेज पे आके इसको सिलेक्ट करूँ। देखो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से सॉन्ग को एडिट कर सकते हो। तो हमें ऐप जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप जो इसका आइकन है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे हम अच्छी तरीके से सॉन्ग को अच्छे से इफेक्ट देके इसको एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे इफेक्ट मिलते हैं हमें। तो आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और हम आपके लिए डीजे नेम मिक्सर ऐप लेके आएंगे जो आप अपने नेम का डीजे सॉन्ग बना सकते हो। तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से हम अपना नेम का डीजे सॉन्ग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।